डेरा मुखी राम रहीम नू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो एक वड्डी राहत जी बिल्कुल इस समय की वड्डी खबर तुहानू दस देने कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वलों पी आई एल नू खारिज कर दिता गया है। तुहानू दस देने कि आखिर असल में मामला की है। दरअसल पी आई एल जी लगाई गई थी हाई कोर्ट के विच, दरअसल उन्होंने यह कहना सी कि पेरोल से बाहर आके डेरा मुखी राम रहीम अपनी गतिविधियां नू अंजाम दे रहा है, यानी कि वह सत्संग भी कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग भी ला रहा है जिहड़ा कि उसनू नहीं करना चाहिए। तो पी आई एल जी दाखिल की गई थी हाई कोर्ट के, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पी आई एल नू खारिज कर दिता है। तो एक वड्डी राहत जी मिलती है, वह वड्डी राहत मिलती है डेरा मुखी राम रहीम जी बिल्कुल पी आई एल जी की दाखिल की गई थी, यानी कि पी आई एल का मतलब कि कोई भी पब्लिक के विचों इस दोषी उपर पी आई एल दाखिल कर सकता है तो उसते दोष लगाए जा सकते हैं। उन्होंने आख्या कि डेरा मुखी जिसनों की बलात्कारी कोशिश किया गया सगा, लेकिन पेरोल से बाहर आके अपने सत्संग कर रहा है, तो पेरोल से बाहर आके होर भी गतिविधि जड़िया ने वो सारिया कर रहा है, लेकिन उसनों नहीं कर दिया चाहिए ने। सो एक जी पी आई एल यानी कि पब्लिक दे किसी अथॉरिटी बंदे वालों एक पी आई एल जी सी वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लाई जाती है। उस तो बाद हाई कोर्ट अपना फैसला जोड़ा इस पी आई एल से सुनाते हैं, वो कहें कि इस पी आई एल खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट के वालों, यानी कि राम रहीम एक वड्डी राहत मिलती है। सो इस समय की वड्डी खबर है तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि राम रहीम नू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो एक वड्डी राहत मिलती है कि जदों हाई कोर्ट दे विच राम रहीम दे खिलाफ पी आई एल दाखिल की जाती है तो उस तो बाद कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनती है। तो माननीय कोर्ट का फैसला होता है कि वह इस पी आई एल नू खारिज करते हैं। डेरा मुखी राम रहीम नू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो एक वड्डी राहत जी बिल्कुल इस समय की वड्डी खबर तुहानू दस देने कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वलों पी आई एल नू खारिज कर दिता गया है। तुहानू दस देने कि आखिर असल में मामला की है। दरअसल पी आई एल जी लगाई गई थी हाई कोर्ट के विच, दरअसल उन्होंने यह कहना सी कि पेरोल से बाहर आके डेरा मुखी राम रहीम अपनी गतिविधियां नू अंजाम दे रहा है, यानी कि वह सत्संग भी कर रहा है, ऑनलाइन सत्संग भी ला रहा है जिहड़ा कि उसनू नहीं करना चाहिए। तो पी आई एल जी दाखिल की गई थी हाई कोर्ट के विच, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पी आई एल नू खारिज कर दिता है। तो एक वड्डी राहत जी मिलती है, वह वड्डी राहत मिलती है डेरा मुखी राम रहीम जी बिल्कुल पी आई एल जी की दाखिल की गई थी, यानी कि पी आई एल का मतलब कि कोई भी पब्लिक के विचों इस दोषी उपर पी आई एल दाखिल कर सकता है तो उसते दोष लगाए जा सकते हैं। उन्होंने आख्या कि डेरा मुखी जिसनों की बलात्कारी कोशिश किया गया सगा, लेकिन पेरोल से बाहर आके अपने सत्संग कर रहा है, तो पेरोल से बाहर आके होर भी गतिविधि जड़िया ने वो सारिया कर रहे हैं, लेकिन उसनू नहीं कर दिया चाहिए ने। सो एक जी पी आई एल यानी कि पब्लिक दे किसी अथॉरिटी बंदे वालों एक पी आई एल जी सी वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लाई जाती है। उस तो बाद हाई कोर्ट अपना फैसला जोड़ा इस पी आई एल से सुनाते हैं, वो कहें कि इस पी आई एल खारिज कर दिया गया हाई कोर्ट के वालों, यानी कि राम रहीम एक वड्डी राहत मिलती है। सो इस समय की वड्डी खबर है तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं कि राम रहीम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट तो एक वड्डी राहत मिलती है कि जदों हाई कोर्ट के विच राम रहीम दे खिलाफ पी आई एल दाखिल की जाती है तो उस तो बाद कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनती है। तो माननीय कोर्ट का फैसला होता है कि वह इस पी आई एल नू खारिज करते हैं। गुरु जी बंगाली विश्व प्रसिद्ध तांत्रिक चमत्कार नू नमस्कार। 21 साल का तजुर्बा मेरे किते नू कोई घट नहीं सकता, 24 घंटे तुहाडी सेवा दे विच हाजिर। बंधन किसने किया, किवें किया, कदों किया, कित्थों किया, असी सब कुछ गरंटी नाल दसांगे। पता नोट करो, लुधियाना पंजाब। कॉल कर सकते हो 9874-29430। लव मैरिज, घर कलेश, कारोबार, घर की शांति, नौकरी, सौतन तो छुटकारा, विदेश यात्रा च रुकावट, हर काम गरंटी नाल किया जाता है। लव मैरिज वशीकरण लॉटरी स्पैशलिस्ट, विदेश विच बैठे लखां लोकां नूं साडे काम तों खुशियां मिलियां हन। 11 घंटे च सारियां समस्यावां दा समाधान।